हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर विन अनदर न्यू एपिसोड। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ विश केयर रोज वाटर के बारे में। मैंने पहले भी एक रोज़ वाटर का रिव्यू किया था, पतंजलि रोज़ वाटर। तो उनमें मैंने बताया था कि रोज़ वाटर हमारे स्किन केयर रूटीन में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं वो इम्पोर्टेंस वाली बात नहीं करूँगी, आज सिर्फ मैं रिव्यू करूँगी। और पतंजलि रोज़ वाटर का जो वीडियो है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में आपको बताऊंगी। ये एक बहुत ही अच्छा पैकेजिंग में आता है, एक स्प्रे बॉटल में आता है और इसका क्वांटिटी है 200 ml और इसका प्राइस है 399 के आसपास। और ये आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा, जैसे नायका और फ्लिपकार्ट इस तरीके से ऐप में, पर्पल में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ऑफलाइन स्टोर में कहीं नहीं मिलेगा। सो ये थोड़ा ऑनलाइन ही शॉपिंग आपको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इंग्रेडिएंट्स। इसमें सिर्फ रोज़ पेटल है जिसको डिस्टिल तरीके से स्टीम किया हुआ है, फिर इसको रोज़ वाटर में कन्वर्ट किया है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें यूज़ नहीं हुआ है। ये एकदम पानी की तरह दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम पानी की तरह दिखता है। और आप इसको अपने फेस, हेयर एंड बॉडी में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैं इसको 1 month तक यूज़ किया है, फिर मैं रिव्यू इसका वीडियो बना रही हूँ। मैं इसको दिन में 3 बार यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग को अपने फेस को वॉश करने के बाद, फिर दोपहर को और फिर एक बार रात को। आप चाहे इसको जितना बार भी हो यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई भी कलर या फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन एक हल्का सा रोज़ का जो एक हल्का सा स्मेल आता है, बस वही है जो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग आपको एक मतलब फील देगा। अगर आप ऑफिस वुमन हो तो ऑफिस में आप अगर आपको अगर डाउन लगे, रिफ्रेशिंग की ज़रूरत हो, तो वो फेस मिस के स्किप करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको बहुत सारे मेरे DIY जो टिप्स है, मैंने वहाँ पे भी इसको यूज़ किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। बहुत सारे रोज़ वाटर होता है कि यूज़ करने के बाद ही रैशेस का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये रोज़ वाटर हर स्किन टाइप में जाता है, कोई भी रैशेस या कोई भी पिंपल्स क्रिएट नहीं करता है और हर स्किन टाइप में ये सूट करता है। मैं जब इसको यूज़ किया था तो एक स्किन बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा था, मतलब जैसे बेबी सॉफ्ट स्किन। ये आपके जो पोर्स है उसको ये टाइटनिंग भी करता है। और इसका एक ख़ास बात यह है कि आप इसको अपने हेयर में भी, कोई भी अगर हेयर मास्क बना रहे तो हेयर में भी आप इसको लगा के सो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादातर रोज़ वाटर जो है, मतलब जो सारे रोज़ वाटर दिखते हैं, वो हेयर में यूज़ करना लिखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रोज़ वाटर हेयर एंड बॉडी में भी आप यूज़ कर सकते हो। एज अ बॉडी स्प्रे भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोगों को प्रॉब्लम होती है बॉडी स्प्रे यूज़ करने से, उसको एलर्जी हो जाती है। लेकिन इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक रिफ्रेशिंग भी फील होगा और कोई भी रैशेज या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिनका स्किन सेंसिटिव है, वो किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे तो ये विश केयर का रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत ही वर्थ है। मैं इसको सेकेंड टाइम परचेस करना चाहूँगी। मैं इसको 5 में से 5 points दूँगी। अब आपका क्या कहना है इस रोज़ वाटर को लेके, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी बताइएगा, एक वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही जल्द आएगा आपके लिए। आज के लिए बाय।